स्लीपर पार्टी नहीं, घंटा नहीं बजेंगे, संघ नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ आचार निकलेंगे। और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते सात खानदान देशों के लिए भी एक उदाहरण बना है और आज यूपी मॉडल के रूप में लोग इसे जान रहे हैं। ये यूपी मॉडल एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश जहां पर विकास और सुशासन के लिए जगह होगी, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होगी, लेकिन जीवन के साथ और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं होगी। और सरकार यही कहने के लिए आपके पास आई है। यह वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है भाइयों बहनों। 4.5 वर्ष पहले जब हम लोग इस क्षेत्र में आते थे 2017 के लोक विधानसभा के चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के लिए आते थे, एक ही आवाज लगती थी। किसी कार्यकर्ता के घर में जाते थे तो घर में एक ही आवाज वहां से घर के अंदर से माताओं की और बहनों की सुनाई देती थी और आवाज होती थी कि क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति, और जब मर्जी आती थी तब बड़ा बड़ा दंगा हो जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन नहीं भूला, क्या नहीं होता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर प्रदेश, हमने गंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था उत्तर प्रदेश ने उसे अक्सर सब पूरा किया है, सरकार ने उसे पूरा किया है। आज प्रदेश में दंगा नहीं है, भय का वातावरण नहीं है, अराजकता नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते सात खानदान 20 जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना छोड़ दो। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग कावड़ यात्रा निकालने की कार्यक्रम बना रहे थे, बड़ा लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रशासन उसके लिए कह रहा था कि साहब ये तो नहीं होता। हमने कहा भी देखो ये सभी शिव भक्त हैं, ये लोग अनुशासन को मानेंगे, भक्ति में लीन व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता, और सच्चा ईश्वर का भक्त कभी उदंड और उच्छृंखल भी नहीं हो सकता। वह उस अनुशासन को मानेगा और उस अनुशासन के रूप हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। मैं देख के ताजुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संघ नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ आचार निकलेंगे। भाइयों बहनों आपने देखा होगा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं, कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई असुरक्षा नहीं, हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हुआ जाता है। और व्यापारिक संगठनों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके अवभगत के लिए जिस प्रकार से स्वागत के कार्यक्रम होते हैं वह अभिभूत करने वाला होता है। यह आस्था ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इसी आस्था का सम्मान करने के लिए आज आप देखते होंगे दुर्गा पूजा का आयोजन हो, गणेश पूजा का कार्यक्रम हो, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम हो या फिर कावड़ यात्रा का कार्यक्रम, ये सभी सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। और हमने तो सबसे कहा
हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोग अपने अपने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, कोई बाधा नहीं। कानून के दायरे में रहकर के हम पर्व और त्योहार मनाएं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सुविधा भी दें और सुरक्षा का भी उचित माहौल उनके सामने प्रस्तुत करें। और भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार का वातावरण आपको बना करके दिया है और मैं यही याद आपसे कहने के लिए आया हूं। हमें याद रखना होगा, कोई व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना होगा, हमारी पहचान व्यक्तिगत पहचान नहीं हो सकती, हमारी पहचान देश की पहचान से बड़ी नहीं हो सकती। हमारी व्यक्तिगत उपासना विधि राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। ये जातिवाद की राजनीति, मत और मजहब की राजनीति, महापुरुषों को जातीय दायरे में कैद करने की राजनीति, ये बंद होनी चाहिए। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, महापुरुष तो पूरे समाज का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है, और उसे भरपूर सम्मान दीजिए। कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जननी थी, सदैव के लिए समाप्त हो गई, सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। आज कश्मीर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जुड़ करके विकास की मुख्य धारा का साक्षी बना हुआ है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा 500 वर्षों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, पिछली सरकारें लटकाने का काम करती थी, भटकाने का काम करती थी, लड़ाने का काम करती थी। लोग बड़े बड़ी बातें कर रहे थे, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून खराबा हो जाएगा। हमने कहा भी कुछ नहीं होने वाला जी, फैसला आएगा, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर और सबसे विशाल मंदिर का निर्माण अयोध्या में रामलला की जन्मस्थली पर हो रहा है। कौन ऐसा भारतीय है जो अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर से प्रफुल्लित न हुआ हो।